नो, क्वेश्चन में यह बोला गया है कि एंगल पी क्यू आर 54 डिग्री है, तो एंगल पी आर क्यू का, पी आर और क्यू का वैल्यू आपको फाइंड करना चाहिए, फाइंड करना है। तो आप सभी जानते हैं कि लाइन पर जो एंगल बनता है या तो 180 डिग्री का होगा या फिर 0 डिग्री का होगा। चलिए देखिए, 180 डिग्री पर हम लेते हैं, 180 डिग्री और पी क्यू आर, पी क्यू आर 54 है, पी क्यू आर 54 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर लंब डालते हैं, ये क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, यानी कि 27। हमें निकालना क्या है, पी आर क्यू का, पी आर और क्यू का, तो ये वाला एंगल क्या होगा, 27 होगा। 180 में से 27 को हम माइनस कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा, 153 डिग्री। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, कोई आसान क्वेश्चन था। ठीक है, कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा।